भारत माता की। जी हाँ, इस पल को महसूस करने के लिए तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। भाई भी आ गया साथ में। आज का व्लॉग है पूरा का पूरा इंडिपेंडेंस डे के लिए। क्यों? देखो, किसी की लाइफ के भी बहुत अच्छे स्टेजेस होते हैं। 25th, 50th और 75th हम लोग मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं या 25वां जन्मदिन मनाते हैं, बहुत धूमधाम से जोर शोर से मनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे फेस्टिवल अभी गए हैं, बहुत सारे फेस्टिवल अभी आने वाले हैं, सारे फेस्टिवल हम बहुत जोर शोर से मनाएंगे। सो इसलिए, क्योंकि भारत की आजादी को पूरे 75 ईयर्स हो गए हैं और अब ये 76वें साल में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, तो आज से शुरू हो रहा है 76th ऑफ द ईयर ऑफ द इंडिपेंडेंस डे। राइट, देखो गवर्नमेंट ने बोला था 13 से 15 तारीख तक आजादी का अमृत महोत्सव बहुत जोर शोर से मनने वाला है। सब लोगों ने घर के बाहर झंडे लगा लिए हैं अपने। कौन कैसे मना रहा है मुझे तो कुछ नहीं पता। मैं इस महोत्सव को 3 के 3 दिन मनाने वाला हूँ बाहर जाके लोगों के साथ, क्योंकि भाई देश के लिए ये फेस्टिवल है। और भाई निकल गए अभी छोटे से सेलिब्रेशन के लिए, कहाँ जाने वाले हैं ये जानने के लिए आप पूरा व्लॉग देखते रहना। सो गाइस देखो, मैं अभी आया हूँ सिल्वर सिटी में। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि मैं जा रहा हूँ एक आजादी के महोत्सव का सेलिब्रेशन करने, और किस किस के साथ हूँ मैं नाम नहीं बता सकता, पर मैं जिसके साथ हूँ उनका इंट्रोडक्शन केवल इस आवाज से आपको लग जाएगा, जो आवाज आपको आने वाली है। भारत माता की, की, की। मेरा भारत महान। एक पल को ऐसा एहसास हुआ कि यहाँ 100 लोग नहीं, हजारों लोग हैं। चलो सो अभी हम करेंगे पहले केक कटिंग। तो पहले हो रही है केक की कटिंग। ठीक है, मेरे सामने दो टीम है, कौन कौन सी नाम बताओ टीम का। एवेंजर, चैलेंजर। आवाज नहीं आ रही होगी। एवेंजर एंड चैलेंजर। अपनी टीम का नाम आप बोलोगे खुद से। ठीक है, जो एवेंजर वाले हैं वो जोर से एवेंजर बोलेंगे, और जो दूसरी टीम का नाम क्या है, चैलेंजर, चैलेंजर, चैलेंजर वाले चैलेंजर बोलेंगे। बोलो चैलेंजर। दोस्तों यहाँ इस फेस्टिवल को मनाया जा रहा है 13 से 15 के बीच क्रिकेट खेल के, जो 15 को ख़त्म हो जाएगा। और केक की कटिंग भी हो रही है उस इंसान के साथ जो इस पूरे के पूरे प्रांगण में सबसे ज़्यादा एज वाले हैं। तो जैसा कि भारत जाना जाता है अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए, सो उसी सभ्यता के अंतर्गत मैंने देखा रेस्पेक्ट का ये नज़ारा। और इसके बाद शुरू हुआ इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। जी हाँ, नेशनल एंथम में खड़े होने का मौका। अगर आप ये वीडियो अभी तक भी देख रहे हैं तो आई थिंक यू शुड लीव योर चेयर for the respect of the nation as well as national anthem। जी
गाइस यहाँ पे तो हो गया क्रिकेट का टूर्नामेंट शुरू। मैं यहाँ पे आया था केवल राष्ट्रगान में शामिल होने के लिए। बचपन में कभी स्कूल में हम लोग राष्ट्रगान में एक साथ खड़े होते थे। मैं फील करना चाहता था कि एक साथ राष्ट्रगान में खड़े होके कैसा फील होता है, और सीरियसली बहुत 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 अच्छा लगा। तो चलो, वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। गुड नाइट एंड स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू व्लॉग। बाय बाय, गुड नाइट।